Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do an English poem of class 2nd and name of the poem is I am the music man. Music man कौन होता है? जो कि music play करता है, various instruments play करता है, sing करता है, okay? Music से related कोई भी काम अगर कोई कर रहा है तो वो music man है. तो एक music man की आपको एक poem यहाँ पर बताई हुई है. Poem में आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, वी विल रीड द पोएम और क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. आई एम द म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे. मैं कौन हूँ? एक म्यूजिक मैन हूँ एंड आई कम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ? फार अवे. फार मतलब होता है दूर. ओके, बहुत दूर से मैं आया हूँ. एंड आई कैन प्ले, और मैं प्ले कर सकता हूँ. अब क्वेश्चन है कि वॉट कैन यू प्ले, तुम क्या प्ले करते हो, क्या बजाते हो? सो आई प्ले पियानो, मैं पियानो बजाता हूँ. कैसे? पी पी पियानो, पियानो पियानो, पी पी पियानो, पी पियानो. ओके, सो पी पियानो करके ये पियानो बजाता है म्यूजिक मैन. ओके, अगेन, आई एम द म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे. मैं एक म्यूजिक मैन हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ. एंड आई कैन प्ले, और मैं प्ले कर सकता हूँ क्या? वॉट कैन यू प्ले, तुम क्या प्ले करते हो? आई प्ले द बिग ड्रम, मैं एक बड़ा सा ड्रम ये देखिए प्ले करता हूँ. उसकी साउंड कैसी है? बूमडी 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 बूम, बूमडी बूम बूमडी बूम. ओके, इस तरीके से आप चाहे तो इस पोएम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं. ओके, कोई और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेके कि आई प्ले गिटार, गिग गिटार, गिग गिटार, ऐसे करके. सो पोएम है आई एम द म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे एंड आई कैन प्ले. वॉट कैन यू प्ले? I play piano, pip pip piano, piano piano, pip pip piano, pip piano. I am the music man, I come from far away and I can play. What can you play? I play the big drum, boom dee boom dee boom dee boom, boom dee boom, boom dee boom. Okay, so this is your poem. ये आपकी poem है. New words देख लेते हैं क्या है. Music man, मैंने बताया जो person music से related कोई भी instrument play करता है, sing करता है, गाना गाता है, कुछ भी हो, संगीत से related जो काम करता है उसको हम लोग music man कहते हैं. Far away मतलब बहुत दूर से. Play करना, बजाना. Piano आप सबने देखा होगा, देखिए ये piano होता है जो girl यहाँ पर ये बजा रही है ना. Okay, drum, drum आपको दिखा दिया था पीछे, बड़ा सा जो drum होता है आपके स्कूल में assembly में बजता होगा. Boom, आवाज़ है एक तरीके से एक उसकी. ओके, चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं. व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले? कौन से दो इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कि म्यूजिक मैन प्ले कर सकता था? तो दो इंस्ट्रूमेंट उसने बताए हैं. वन इज पियानो एंड द अदर इज अ ड्रम. सो पियानो एंड ड्रम, इसका आंसर आप लिखेंगे. द म्यूजिक मैन कैन प्ले पियानो एंड ड्रम. सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम? म्यूजिक मैन कहाँ से आया था? सो द म्यूजिक मैन कम्स फ्रॉम फार अवे, वो बहुत दूर से आया था. जगह तो उसने नहीं बताई, बस इतना बताया कि मैं बहुत दूर से आया हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लेट्स टॉक. इफ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू, अगर म्यूजिक मैन आपके पास आ जाए, वॉट वुड यू आस्क हिम टू प्ले फॉर यू? तो तुम क्या चाहोगे, क्या वो तुम्हारे लिए बजाए, आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना सबसे अच्छा लगता है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. सितार, गिटार, ड्रम, हारमोनियम, ओके, एनीथिंग. नेक्स्ट इज व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, तुम क्या सीखना पसंद करोगे, म्यूजिक, डांस या फिर कराटे, जो भी आपको अच्छा लगता है तीनों में, वो आप यहाँ लिख सकते हैं. से अलाउड, अब इनको आपको बोलना है सिर्फ. पियानो, पिन पेल, वैन वैली वोट, विंड वेट एंड वाइल्ड. ओके, सिंग दिस सॉन्ग लाउडर, मेक अप द ट्यून, एक ट्यून बना के आपको इस गाने को गाना है. ही हो From home to school we go, just keep on singing all day long. Hee ho, hee ho, hee ho. Okay. Next, let's make sentence. Sentences बनाने, a farmer works in the field. यहाँ पर आपको तीन अलग columns दिए हैं, आपको matching करनी है. कैसे? जैसे a farmer, farmer क्या करता है? Work. तो farmer को work से मिलाएंगे, और कहाँ पर work करता है? In the field. तो फिर इसको in the field से मिलाएंगे. Next is soldier. Soldier क्या करता है? Wear करता है. क्या चीज़? यूनिफॉर्म. सोल्जर्स हमेशा यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो इसको आप ऐसे इनको कंबाइन कर देंगे. नेक्स्ट इज सिंगर. सिंग क्या करता है? सिंग करता है, तो इसको आप यहाँ से मैच करेंगे. अ सिंगर सिंग्स, क्या सिंग करता है? वो सॉन्ग्स. तो ऐसे आप नेक्स्ट इसको मैचिंग कर देंगे. नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रीशियन. इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? इलेक्ट्रीशियन रिपेयर करता है किन चीज़ को? आपके लाइट्स को. तो रिपेयर्स पर कर देंगे, एंड यहाँ से इसको लाइट पर मैच करेंगे. पायलट. पायलट क्या काम करता है? पायलट प्लेन को फ्लाई करता है. तो अब पायलट फ्लाइज से मैच करेंगे, किसको फ्लाई करता है? अ प्लेन. तो इसको उसके बाद अ प्लेन से मैच करेंगे.
नेक्स्ट इज एन एक्टर. एक एक्टर क्या करता है? एक्टिंग करता है. सो एक्ट किस में एक्टिंग करता है? वो फिल्म्स में. सो इन फिल्म्स. ओके. नेक्स्ट इज अ म्यूजिशियन. म्यूजिशियन बताइए अब क्या करता है? म्यूजिशियन आपका प्ले करता है, बजाता है क्या चीज़? वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स को. सो इसमें आपका म्यूजिक प्लेस म्यूजिक, वो म्यूजिक को प्ले करता है. ओके. इस तरीके से आप इनको मैचिंग कर देंगे एंड देन जो सेंटेंसेस बनेंगे आपके कंप्लीट सेंटेंसेस आपको यहाँ पर लिखने हैं. मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ. ये आप लिख देंगे, अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, अ सोल्जर्स वियर्स अ यूनिफॉर्म, अ सिंगर सिंग्स सॉन्ग, एन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स लाइट्स, अ पायलट फ्लाइज अ प्लेन, एन एक्टर एक्ट्स इन फिल्म्स, और अ म्यूजिशियन प्लेस म्यूजिक. नेक्स्ट इज हाउ मेनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कैन यू फाइंड इन दिस मेज. ये मेज आपको दिया, ट्राई टू सर्कल एटलीस्ट फोर, कम से कम चार इंस्ट्रूमेंट इसमें से ढूंढ के आपको लिखने हैं. जैसे एक मैं आपको बता दूँ तो ये रहा, देखिए पियानो. ओके. थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि पूरी स्क्रीन पर देखिए आपको. एक तो आपका पियानो हो गया यहाँ पर. एक और मैं बता देती हूँ, देखिए ये रहा सितार. आपको दोनों तरीके से ढूंढने हैं. ओके. सेकेंड वन इज सितार. और ढूंढिए आप इसमें बहुत सारे आपके एटलीस्ट ड्रम, देखिए ये रहा ड्रम. कम से कम चार तो आपको ढूंढने ही हैं ऐसे जो कि आपको आपके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है. तीन मैंने बता दिए, एक आप मुझे बताएंगे इसमें से ढूंढ के कमेंट सेक्शन में. ओके. नेक्स्ट इज चेंज दीज वर्ड्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. इनके प्लूरल आपको बनाने हैं. बेंच. बेंच का क्या हो जाएगा? बेंचेस. बेंचेस सी एच ई एस लगा देंगे. ब्रश ब्रशेस. इसमें भी आप ई एस लगाएंगे पीछे. ग्रास ग्रासेस. बॉक्स बॉक्सेस. बस बसेस ई एस. टोमैटो टोमैटोज. टोमैटो टी ओ ई एस. ओके. नेक्स्ट इज डियर डियर्स. शीप शीप्स. टूथ का होता है टीथ. नेक्स्ट गूज का होता है गीज. वुमेन का होता है वुमेन, डब्ल्यू ओ एम ई एन. ओके. ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपने डबल ओ को डबल ई बना दिया, एम ए एन को एम ई एन बना दिया. नेक्स्ट इज माउस. माउस को माउसेज आप नहीं लिखेंगे, माउस का प्लूरल होता है माइस. ओके. ऑक्स का होता है ऑक्सन, ई एन लग जाता है पीछे. चाइल्ड का चिल्ड्रन. मैन का होता है मैन, एम ई एन मैन. क्लास का होता है क्लासेस, डबल एस ई एस. ओके. ये मैं आपको सिंगुलर प्लूरल में करा चुकी हूँ. जिन वर्ड्स के पीछे S, डबल S, एस एच सी एच ये वर्ड्स आते हैं उनके पीछे ई एस लगता है, अदरवाइज S और कुछ हमारे डिफरेंट होते हैं. जैसे कि ये है माउस माइस, ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रन, मैन मैन, वुमेन वुमेन, टूथ टीथ, गूज गीज. ओके. ये आपके आंसर्स हैं अगर आपने वहाँ पर नोट नहीं किए. सो दैट्स ऑल. ये आपका चैप्टर था. आई एम श्योर चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. जल्दी इसकी क्विज भी अपलोड हो जाएगी, उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो. ओके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.